जिंदगी की चार मुश्किलात और हल सबका एक। सैयदना हसन बसरी रहिमहुल्लाह के पास चार आदमी आए। एक ने उनके रूबरू कहत साली की शिकायत की। इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफी तलब करो। दूसरे शख्स ने गुर्बत व अफलास का शिकवा किया। उन्होंने भी उसे यही कहा कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफी मांगो। तीसरे बंदे ने उनसे दुआ करने को कहा कि अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे। आपने उसे भी अल्लाह से मुआफी मांगने का कहा। चौथे आदमी ने उनसे अपने बाग की खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमहुल्ला ने उसे भी कहा कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफी की इल्तिजा करो। इमाम हसन बसरी के शागिर्दों ने उनसे पूछा कि आपके पास चार लोग मुख्तलिफ शिकायत लेकर आए, लेकिन आपने सबको एक ही काम का हुक्म दिया कि अल्लाह ताला से मुआफी मांगो, ऐसा क्यों कहा? सैयदना हसन बसरी रहिमहुल्लाह फरमाने लगे कि मैंने उन्हें ये हुक्म अपनी तरफ से नहीं दिया, बल्कि वो हुक्म दिया है जो रब्बे करीम ने खुद इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युर्सिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तुम लोग अपने गुनाह बख्शवाओ, यकीनन अल्लाह गुनाह बख्शने वाला है। वो आसमान को छोड़ देगा कि मूसलाधार बारिश करे। वो तुमको माल और बेटों से बढ़ाएगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा और नहरें जारी कर देगा।